बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट एग्रीगेशन में बड़ा किरदार होता है और उसकी तीन डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहली स्टेज इंडिविजुअल लेवल की है, दूसरी स्टेज कलेक्टिव लेवल की है और तीसरी स्टेज के ऊपर जब गवर्नमेंट बन जाती है। जो पहली स्टेज है उसमें इंटरेस्ट एग्रीगेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ये एक सर्टेन प्रोसीजर है और वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। उसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होगा कि नेशनल कन्वेंशन जब होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान और उसके बाद, उससे पहले नेशनल कन्वेंशन में पॉलिसी को बना लिया जाता है और कैंडिडेट्स को बता दिया जाता है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स में तो इस तरह से होता है। दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उसमें इस तरह से होता है कि आप अपने अपने कन्वेंशन के अंदर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में डिस्कस कर देते हैं और उसको फिर इस चीज़ पर फोकस कर लेते हैं कि जब हम हुकूमत में आए तो हम इस पॉलिसी के ऊपर ये काम करेंगे। दूसरी जो स्टेज है, ये दूसरा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के भी एक मखसूस किसी चीज़ के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। एक जनरल इशू होता है, जनरल इंटरेस्ट होता है पब्लिक का और उसके ऊपर वो इकट्ठे होते हैं और फिर उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाते हैं। ये ज़्यादातर मल्टी पार्टी सिस्टम में होता है, ज़्यादातर ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे मोर देन टू पार्टीज़ मौजूद हैं और वो पार्टीज़ मिल के फिर जनरल पब्लिक अफेयर के लिए कोई ना कोई पॉलिसी मुरतब करती हैं, उस पर हाउस में वोट होता है या उससे इवन पहले भी वो काम ये करती हैं और बिलाकर फिर पॉलिसी बन जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब गवर्नमेंट बन जाती है, देखिए जब गवर्नमेंट बन जाती है तो उन्होंने जो उनके मुतमन्ना नज़र होती हैं पॉलिसीज़, जो फोकस होता है उनका पॉलिसी के ऊपर, उन्होंने गवर्नमेंट में आके भी वही पॉलिसीज़ को अपनाना होता है और उन्हीं पॉलिसीज़ को आगे लेके चलना होता है। ये तीसरी स्टेज थी। इन तीनों स्टेजेस के ये तीनों स्टेजेस किससे लिंक्ड हैं, ये तीनों स्टेजेस, और इसमें ये भी है कि कोलिशन गवर्नमेंट भी बन जाती है। जो स्टेज टू है कि डिफरेंट पार्टीज़ मिलके एक बना लेती हैं, एक मंशूर सा बना लेती हैं या किसी एक इशू के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई पार्टीज़ जो हैं, एक पार्टी का भी ग्लोबल वार्मिंग इशू है और दूसरे का भी ग्लोबल वार्मिंग इशू है, तो वो दोनों मिलके इसको इसके ऊपर पॉलिसी बनाना चाहती हैं, तो वो फिर फ्यूचर में मिलके काम करती हैं। स्टेज टू ही स्टेज थ्री में कन्वर्ट हो सकती है जब हुकूमत बननी होती है। जब हुकूमत बनती है और कोई एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं ले पाती तो वो किसी और को इनवाइट करती है कोलिशन गवर्नमेंट के लिए। कोलिशन गवर्नमेंट का भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं और कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो अल्टीमेटली फिर वो ब्रॉडर सेंस में आपके लिए इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम करते हैं। थैंक यू सो मच। ये तो थी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनका किरदार इंटरेस्ट एग्रीगेशन में। अगली कुछ वीडियोस में इंटरेस्ट एग्रीगेशन की सिग्निफिकेंस और कुछ और चीज़ों के किरदार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।